हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 65 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से लिंक क्लिक करके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। और 65 के भी पीडीएफ लिंक अवेलेबल हैं जो टेलीग्राम चैनल पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बायो से, देन आएंगे केमिस्ट्री, देन फिजिक्स से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ए, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रियोन डिजीज दैट अफेक्ट्स सी पिज के क्रेटुजेफेल्ड जैकोब डिजीज। बी है यहाँ पे, प्रियोन इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन दैट कैन ट्रिगर नॉर्मल प्रोटीन इन द लीवर टू फोल्ड एबनॉर्मली। और सी यहाँ पे है, प्रियोन्स अटैक नर्व सेल्स प्रोड्यूसिंग न्यूरो डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज। तो आंसर यहाँ पे सी जो है ओनली करेक्ट है, यानी कि प्रियोन्स अटैक नर्व सेल्स प्रोड्यूसिंग न्यूरो डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज। ये यहाँ पे जो है अफेक्ट सी होगा, नहीं है, यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे कह रहा है ग्लाइकोप्रोटीन इन द लीवर, तो लीवर को नहीं, ब्रेन को डैमेज करता है। प्रियोन्स आर डिस्कवर्ड बाई प्रूसिनर, दीज आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शस प्रोटीन पार्टिकल्स विच लैक्स न्यूक्लिक एसिड। प्रियोन्स काउज डिजीज ओनली इन एनिमल्स, नो प्लांट डिजीज काउज्ड बाई प्रियोन्स आर रिपोर्टेड। अ प्रियोन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कैन ट्रिगर नॉर्मल प्रोटीन इन द ब्रेन टू फोल्ड एबनॉर्मली। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रियोन डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमन इज क्रिटफेल्ड जैकोब डिजीज, वेयर द प्रियोन्स अटैक नर्व सेल्स एंड प्रोड्यूसेस द न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, ब्रेन डिजीज कॉज करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ मैच द कॉलम है, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच डायनासोर का ईरा और इन मिलियंस ईयर्स बिफोर। तो आंसर यहाँ पे ए का सेकेंड होगा, यानी कि ट्रायसिक का 225 मिलियंस ईयर्स एगो, बी का 1, जुरासिक का 175 और सी का 3rd, यानी कि क्रिटेशियस का 125। यहाँ भी मैच द कॉलम है, तो कॉपर का यहाँ पे सी होगा, यानी एसोसिएटेड विद इंजाइम इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड बोरोन का होगा बी, यानी कि पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और थर्ड जिंक का होगा ए, यानी कि नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। नेचुरल द नेचुरल सिलेक्शन दैट एक्ट्स अगेंस्ट चेंज इन द फॉर्म एंड कीप्स द पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट थ्रू द टाइम इज। आंसर डी होगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तीन टाइप्स के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शन और डिसरप्टिव। विथ रेफरेंस टू इंजाइम्स टर्न ओवर नंबर मींस। ओके, तो आंसर यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करता है, पर आवर हो गया, पर सेकंड हो गया, पर डे या पर मिनट, सारे इसमें सेम है, बस पर आवर, पर सेकंड और पर मिनट का डिफरेंस है। आंसर यहाँ पे सी होगा, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ एन इंजाइम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स पर मिनट हो गए। ओके, एक बार एनसीईआरटी से जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर यहाँ पर ये होगा, डार्विन फिंचेज शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट होते हैं अलग अलग। और बी सी डी सही है, होमो इरेक्टस इवॉल्व अर्लियर देन होमोसेपियंस, होमोसेपियंस अपीयर्ड इन अफ्रीकन ग्रास लैंड, और आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम क्लास। आंसर बी, मॉर्केला ट्रफल्स एंड साइक्रोमाइसिस सेम क्लास आते हैं, एस्कोमाइसिटीज में। ओके, राइजोपस एंड म्यूकोरा मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटी, एस्परगिलस साइक्रोमाइसिस ईस्ट, मॉर्केला मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एस्कोमाइसिटीज फंजाई। एगेरिकस मशरूम इज बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई। मॉर्केला कॉमनली कॉल्ड एज मोरेल्स एंड ऑल्सो द ट्रफल्स आर इडिबल एस्कोमाइसिटीज फंजाई, एंड एगेरिकस इज इडिबल वेज बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई। कॉलेटो ट्राइकम एंड अल्टरनेरिया आर ड्यूटेरोमाइसिटीज। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाई प्रोटीन डिफिशियंसी इज। आंसर ए होगा, मेरेस्मस, इम्पेयर्ड मेंटल प्रॉब्लम, हेयर लॉस, एबनॉर्मल ब्लड कोगुलेशन और डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम गिवेन बिलो। आंसर होगा ए, एन एक्सप्रेसिबल प्लाज्मिड।
यहाँ पे अगर प्रोमोटर दिया हुआ है तो एक्सप्रेसिबल होगा। ओके, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। प्लाज्मिड्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट। द मोस्ट कॉमन प्लाज्मिड कॉल्ड आर प्लाज्मिड कैरीज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंड आर कॉमनली यूज एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टू होस्ट ऑर्गेनिज्म। एनी प्लाज्मिड बिकम्स एक्सप्रेसिबल व्हेन इट कंटेन्स अ प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर एक्ट्स एज अ रेगुलेटरी रीजन अलाउंग फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्लूटिनेशन। आंसर होगा डी IgM। IgM एग्जिस्ट एज अ पेंटामर एंड ईच मॉलिक्यूल पजेज 10 एंटीजेन बाइंडिंग साइट्स। ओके, IgA इज अबंडेंट इन टीयर सलाइवा ब्रेस्ट मिल्क यानी सिक्रेशंस में एंड इन सिक्रेशंस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। IgM इज फ्रीक्वेंटली सीन इन द इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिकली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया। इट ऑल्सो एक्टिवेट कम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, इसका जो है सारे एंटीबॉडी और उसके फंक्शन के ट्रिक भी हैं, जो है उसका पी सील और गेम्ड, GAMED और पी सील। ओके, नेक्स्ट। और जो IgM के बारे में जो उसका स्ट्रक्चर भी पीछे पिछले मॉक टेस्ट में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन। इसका जो ट्रिक है एंटीबॉडी का, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे एंटीबॉडी ट्रिक करके सर्च करेंगे तो। यहाँ पे कह रहा है विच द फॉलोइंग सजेस्ट द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल। आंसर होगा डी डिंगोपोजी में हेल्प करता है। बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट इन कंपोजर्स इन नेचर। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय काउजिंग द ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। दस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कार्बन साइकिल। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल इज सीडोमोनास डी नाइट्रिफिकेंस। यहाँ मैच द कॉलम है तो एनसीईआरटी से बाहर, बस एलएनसर रूल जो है वो एनसीईआरटी से पूछा है। तो यहाँ जो रैंचर्स रूल है, रैंसर्स या रैंचर्स, तो यहाँ सेकेंड होगा यानी कि वर्टिब्रा सॉरी विंग्स के बारे में बताया गया था। और बी बर्गमैन्स रूल जो है वन होगा बॉडी साइज, बी से बर्गमैन और बी से बॉडी साइज। एलेंस रूल जो है ऑर्गन साइज के बारे में बताया था। और जॉर्डन्स रूल जो है वो वर्टिब्रा नंबर के बारे में बताया था। यहाँ पे देख लेते हैं सारा। बर्ग्समैन रूल कह रहा है वार्म ब्लडेड एनिमल बर्ड्स एंड मैमल्स हैव लार्जर बॉडी साइज इन बॉडी इन कोल्ड क्लाइमेट देन इन हॉटर एरियाज। सेकंड यहाँ पे कह रहा है एलेंस रूल एक्सट्रीमिटीज लेग्स ईयर्स टेल माउथ ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स बिकम स्मॉलर इन कोल्डर एरियाज एज कम्पेयर टू एनिमल्स ऑफ वार्मर एरियाज। रैंचर्स रूल यहाँ पे कह रहा है इन अ कोल्डर क्लाइमेट बर्ड्स पजेजेज नैरो एंड एक्यूमिनेट विंग्स एज कम्पेयर टू ब्रॉडर विंग्स ऑफ बर्ड्स फाउंड इन वार्मर एरियाज। और जॉर्डन्स रूल यहाँ पे बोल रहा है एज द टेम्परेचर इज लोवर्ड सम फिशेज पोजेज अ लार्जर साइज विद अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रा। ओके, जो भी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन रहेंगे उसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। तो आगे देखते हैं। अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट वॉज फाउंड टू बी अ जिम्नोस्पर्म बिकॉज इट आंसर ए लैक्स ओवरी बट पजेजेज एक्सपोज्ड ओव्यूल्स। ओके, नेक्स्ट। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ पे कह रहा है द इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। यहाँ सेल्स के बारे में बोल रहा है इसलिए जेजी नहीं होगा, वो एपरेटस होता है, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। यहाँ सेल्स के बारे में है तो इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ऑफ किडनी एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोपोएटिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन सेक्रेटेड मेनली बाई किडनी इन रिस्पॉन्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया। इट स्टिमुलेट्स रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इरिथ्रोपोरेसिस इन द बोन मैरो। द इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, दे आर प्रेजेंट एसोसिएटेड विद द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। विच द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। आंसर सी होगा बोथ ए एंड बी, यानी टेम्परेचर वाइंड स्पीड ह्यूमिडिटी और स्टोमाइटल डेंसिटीज, चारों पे होते हैं डिपेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लाडर। आंसर बी होगा पैनक्रियोजामिन। पैनक्रियोजामिन इज ऑल्सो नोन एज कोलेस्टोकैनिन विच रिजल्ट इन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द गॉल ब्लाडर एंड रिलीजेज स्टोर्ड बाइल इन टू द इंटेस्टाइन। ओके, एल्गी एंड फंजाई आर कैरेक्टराइज बाई द पसेशन ऑफ। आंसर होगा ए माइटोस्पोर्स। फंजाई एंड एल्गी रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली बाई द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स एंड आर ऑफन ट्रांसमिटेड
टर्म्ड माइटोस्पोर्स। द माइटोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू माइटोटिक सेल डिवीजन इन द स्पोरेंजियम एंड इन फंजाई। दीज स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया। इन एल्गी दे आर कॉल्ड जूस्पोर्स। विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइगोसाइटोसिस ऑफ एंटीजेंस एंड रिमूवल ऑफ सेलुलर डेब्रीज। आंसर डी होगा, मैक्रोफेजेज। ओके, मीजोगेमी इज आंसर बी, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल थ्रू इंटेगुमेंट्स। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रू द थ्री पाथवेज। व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इट इज कॉल्ड पोरोगेमी। दिस इज मोस्ट कॉमन पाथवे। इफ पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रू द इंटेगुमेंट्स इट इज कॉल्ड मीजोगेमी। ओके, और जो क्वेश्चन पूछा था, और व्हेन द पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू द चैलेजल एंड इट इज कॉल्ड एज चैलेजोगेमी। ईपीमाइसियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फॉलोइंग टिश्यू ऑर्गेन। आंसर होगा बी, मस्कुलर टिश्यू में होते हैं। द ईपीमाइसियम इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द इंटायर मसल टिश्यू। द पेरीमाइसियम इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द ईच बंडल ऑफ मसल फाइबर। द एंडोमाइसियम इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स ईच सिंगल मसल फाइबर और मायोफाइबर और मसल सेल। एपोमिक्सिस इज फाउंड इन आंसर सी, एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस जोन में होते हैं। द यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल ग्रीड कर लेते हैं। द इपिथेलियम फाउंड इन हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोस आर ओरिजिनली कॉलुमनर इपिथेलियम बियरिंग फाइन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन इट्स फ्री सरफेस। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज सीन इज स्टडीड एट, तो हम लोग स्टडी करते हैं मेटाफेज में। सेकंड यहाँ पे कह रहा है डिकम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर्स एट पैकेटिंग स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। यहाँ पे थर्ड कह रहा है इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइड ऑफ इनिफिटिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल्स। तो यहाँ पे जो होते हैं सी, यहाँ पे हमारा होगा इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी। तो हमारा कोलचिसिन जो है वो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है। और फोर यहाँ पे कह रहा है द ट्रू रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अकर्स इन एनाफेज फर्स्ट स्टेज। आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंसिस्ट ऑफ सीडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। तो सीडोसिलोमेट होते हैं एसके हेलमिंथस में। आंसर हमारा ए होगा, उसका एग्जाम्पल एस्केरिस और एनसाइक्लोस्टोमाटा। इन साइक्लोस्टोमा, अस्टोमा मतलब माउथ और साइक्लो मतलब राउंडेड। हॉर्मोन्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, तो आंसर हमारा ऑल होगा, यानी कि सारे होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस इज प्रोड्यूसेस गनाडोट्रोपिन्स। बिसाइड्स सेक्स सेल्स हॉर्मोन्स ऑल्सो आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाई लीडिंग सेल्स और इस्ट्रोजेन इज प्रोड्यूस्ड बाई द ओवरी। ओके, द एमिनो एसिड फाउंड ओनली इन बैक्टेरियल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज। आंसर बी होगा, डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड होते हैं। डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड DAP, डैप इज एन एमिनो एसिड अ कार्बोक्सी डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन। इट इज कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ सम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया विद इन द पेप्टाइड लिंकेज ऑफ नैम एंड नैग, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फाइला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। तो आंसर हमारा डी होगा, सबसे ज्यादा अर्थ्रोपोडा, देन एसके हेलमिंथस, उसके बाद कोर्डेटा होते हैं। अर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम विच हैज मोर देन 1.1 मिलियन स्पीसीज फॉलोड बाय मोलस्का 90,000 प्लस स्पीसीज। और एसके हेलमिंथस होते हैं 80,000 प्लस स्पीसीज और कोर्डेटा 60,000 प्लस स्पीसीज। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू पेंटोज सुगर बाय ए लिंकेज एंड द पेंटोज सुगर इज लिंक्ड टू फॉस्फेट बाय बी लिंकेज करेक्टली आइडेंटिफाइड एज। तो यहाँ पे पेंटोज सुगर बाय एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज और सुगर इज लिंक्ड टू फॉस्फेट बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ओके, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सेकेंडरी स्पर्मोसाइट स्पर्मेटोसाइट आर रिजल्ट ऑफ। आंसर बी, मियोसिस वन के रिजल्ट से होते हैं। सेलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हमारा सी होगा। सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया लाइक फ्लैजेला पिलाई एंड फिमरी प्ले अ मेजर रोल इन मोटिलिटी। तो पिलाई जो है वो मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, बाकी ए सी डी सही है। द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ
टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर। बी यहाँ पे है स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। और डी यहाँ पे है गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बिसाइड्स फ्लैजेला पिली एंड एफीमरी आर ऑल्सो सर्फेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन द मोटिलिटी। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। द एफीमरी आर स्मॉल ब्लिस्टर्स लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड रिप्लोब्लास्टिक। तो आंसर होगा ए एस्केरिस और प्लेनेरिया। मेंबर्स ऑफ द फाइलम एस्केरिस एंड फिलेटिक हेलमिंथस आर रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल। एस्केरिस इज अ राउंड वर्म व्हाइल प्लेनेरिया इज अ फ्रेश वाटर फ्लैट वर्म। आइडेंटिफाई द लिविंग प्लांट टिश्यू दोज मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड बुआंसी टू द प्लांट्स। तो आंसर यहाँ पे होगा डी मॉडिफाइड पेरेनकाइमा, जिसे एरेनकाइमा भी कहते हैं। अ वैस्कुलर बंडल विच लैक्स कैम्बियम इज कॉल्ड। तो जो कैम्बियम जिसमें एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं कंज्वाइंट बट नॉट कोलैटरल। ओके, वैस्कुलर बंडल्स हैविंग कैम्बियम इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड ओपन बंडल्स। ड्यू टू कैम्बियम दे कैरीज सेकेंडरी ग्रोथ। वैस्कुलर बंडल्स विच लैक्स कैम्बियम आर कॉल्ड क्लोज बंडल्स। ओपन बंडल्स अकर्स इन डाइकोट एंड क्लोज बंडल्स अकर्स इन मोनोकोट्स। तो यहाँ पे हो सकता है आंसर सी होना चाहिए, क्लोज एंड कोलेटरल। आप एनसीईआरटी में देख के जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। ओके, और जो कमेंट है वो एक दिन के लिए ही खुला रहेगा कमेंट बॉक्स, तो आप जरूर बताएं। सीरियस जो हमारे व्यूअर होंगे। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम। ओके, तो आंसर होगा डी रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो इंक्रीज करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आंसर बी डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन ओरिजिन। चूज द करेक्ट मैच इन द फॉल इन करेक्ट मैच। तो आंसर हमारा सी होगा, टोटल लंग कैपेसिटी जो होगा बी सी माइनस टी बी नहीं होते हैं। ओके, जो हमारे होते हैं यहाँ पे टी एल सी वी सी इक्वल टू ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी। ओके, और बाकी जो सारे हैं इंस्पायरेटिक कैपेसिटी आई आर वी प्लस टी वी, फंक्शन स्टेडियबल कैपेसिटी आर वी प्लस ई आर वी, और वाइटल कैपेसिटी ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी सही हैं। गोनायोलैक्स इज अ प्रोटिस्ट विच काउजेज एन अलगल ब्लूम वेयर इट्स रैपिड मल्टीप्लीकेशन चेंजेज द सी कलर, जो रेड टाइड काउज करते हैं। रेड टाइड इज कॉज्ड बाई ड्यू टू डायनोफ्लैजेलेट गोनायोलैक्स ड्यूरिंग फ्लेवरस सीजन। गोनायोलैक्स मल्टीप्लाइज रैपिडली फॉर्मिंग ह्यूज मास विच गिव्स रेड कलर टू वाटर नोन एज रेड टाइड। इट्स क्रिएट्स टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड सेक्सिटॉक्सिन इज इन वाटर विच रिजल्ट डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैरीन फिशेज। व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रेशन ऑफ पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद एन इनहिबिटर। आंसर सी, इन द एब्सेंस ऑफ एच सी एल सिक्रेशन इनएक्टिवेट पेप्सिनोजेन इन इज नॉट कन्वर्टेड इन टू एक्टिव इंजाइम पेप्सिन। ओके, दोजिनी सेल ऑफ पैराइट और पैराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट एच सी एल। दिस एच सी एल कन्वर्ट्स पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन टू पेप्सिन एंड रेनिन रेस्पेक्टिवली। आउट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हाउ मेनी शोज द स्ट्रेस साइकिल। तो नॉन प्राइमेट में होते हैं, आंसर हमारा सी होगा डी, यानी कि थ्री लॉइन गोट एंड रैट शो स्ट्रेस साइकिल्स। प्राइमेट शो करते हैं हमारा मेस्ट्रुअल साइकिल, और स्ट्रेस साइकिल शो करते हैं नॉन प्राइमेट। लायन गोट एंड रैट शो स्ट्रेस साइकिल। लिजर्ड इज ओविपेरस। ह्यूमन एप्स एंड मंकी शोज मेस्ट्रुअल साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई कंप्राइजेस ऑफ डेंसली पैक्ड कोन्स। आंसर हमारा ये होगा फोविया। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ रीड कर लेते हैं। आफ्टर द एट न्यूक्लियेट स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट टू गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ओके, तो यहाँ पे सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लियेट होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एनडीए मॉक टेस्ट में।
द एसोसिएशन एरियाज ऑफ ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आंसर ए इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। विच टाइप ऑफ इंडोस्पर्म इज ऑब्जर्व्ड इन द व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट, आंसर ए सेलुलर। रिफर द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो ये यहाँ पे जो है हमारा एंटीरियर ऑल्टा है और बी है एलियरी मसल्स। विथ रिस्पेक्ट टू द पिक्चर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी इम्प्लीमेंटेड टू ऑब्टेन मोर प्रोजेनी ऑफ दिस एनिमल। तो आंसर हमारा सी होगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं म्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड। इन सम केसेस द प्रोजेनी मे कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड मे बी कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू। एग्जाम्पल द म्यूल, द गिवन पिक्चर इज दैट ऑफ म्यूल। तो यहाँ पे आप कमेंट में जरूर बताएं कि मेल डोंकी लेते हैं या मेल यहाँ पे हॉर्स लेते हैं और फीमेल में क्या लेते हैं, जरूर कमेंट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिसिनल प्लांट ऑफ कॉमर्शियल यूज, आंसर हमारा डी होगा, इंडिगोफेरा जो है हमारा वो मेडिसिनल प्लांट नहीं है, डाई है। ओके, मुलेठी मेंबर ऑफ फैबेसी रॉल्फिया इज अ मेंबर ऑफ एपोम एपोसाइनेस्टी फैमिली एंड बेलाडोना एल्ट्रोपा बेलाडोना मेंबर्स ऑफ सोलानेसी फैमिली आर ऑल मेडिसिनल प्लांट्स। इंगोफेरा कॉमनली कॉल्ड नील इज यूज टू ऑब्टेन डाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट्स क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, आंसर हमारा ए होगा, 44+XXY। इसका हमने ट्रिक भी बना रखा है, इसका होता है टैक्स और केक्स, KEX, यानी कि कैलिफिल्टर फिल्टर में एक्स्ट्रा एक्स होते हैं और टैक्स टर्नर में एब्सेंस ऑफ एक्स होते हैं। ओके, यहाँ पे टर्नर में होते हैं, टर्नर सिंड्रोम में 44+X0 और यहाँ पे 44+XY होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन मेल होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूजिंग एयर एंड अ बायोलॉजिकल फ्लॉक द सेडिमेंट ऑब्टेंड इज कॉल्ड, आंसर हमारा ये होगा, एक्टिवेटेड स्लज। ओके, थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010 ऑल टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स हैव टू फॉलो वर्थ स्टेज थर्ड एंड फोर्थ रेस्पेक्टिवली। इसमें भी जरूर कमेंट करके बताएं कि ये ऑप्शन सही है या क्या क्या सही होना चाहिए। ओके, भारत स्टेज जो थर्ड है थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010, और यहाँ पे जो भारत स्टेज थर्ड है थ्रू आउट द कंट्री थ्री व्हीलर्स के लिए भी, यहाँ पे टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स दोनों में थर्ड ही यहाँ पे है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप, भारत स्टेज थर्ड थ्री व्हीलर थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 10 और टू व्हीलर्स जो है थ्रू आउट द कंट्री 6 अक्टूबर 10 जो भी है वो हमारा भारत स्टेज थर्ड ही है। तो आंसर हमारा डी होना चाहिए, कमेंट करके जरूर इसके बारे में बताएं। ओके, थ्री बेसिक स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो सीक्वेंस हमारा सेम है, 1 2 3, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हिच केमिकल इज यूज फॉर विजुलाइजिंग द फ्रेगमेंटेड डीएनए, तो आंसर हमारा डी होगा, इथिडियम ब्रोमाइड को यूज करते हैं, ईवीरे में विजुलाइज करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, तो हमारा जो टैग पॉलीमरेज है वो एनियलिंग ऑफ डीएनए में हेल्प नहीं करता है। ओके, अब बाकी बी सी डी जो है हमारा सही है। यहाँ पे जो टैग पॉलीमरेज है वो थर्मोस्टेबल है, कॉलम यहाँ पे ए में करा, बी में काइटिनेज ऑब्टेनिंग डीएनए बाय लाइसिस ऑफ फंगल सेल जो काइटिन से बना होता है, एक्जो न्यूक्लियेज रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए और डीएनए लाइज के जो है ज्वाइनिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ओके, तो यहाँ पे जो है डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज टैग पॉलीमरेज व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस व्हिच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर
यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स 1 बिलियन कॉपीज ऑफ मेड। ओके, तो एनियलिंग में नहीं, यहाँ पे हम जो है एम्पलीफाई करने में यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन प्लांट स्पीसीज इन इंडिया। आंसर यहाँ पे होगा डी, यानी कि क्लेरियस। बाकी जो हमारे यहाँ पार्थेनियम, इकॉर्नी और लैंटाना है वो हमारे इंडिया के लिए हैं प्लांट स्पीसीज। जो क्लेरियस जो है हमारा इंडिया के लिए नहीं, वो साउथ अफ्रीका के लिए थे शायद, साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल कर रीड कर लेते हैं। 190 कंट्रीज प्लेज टू अचीव अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल लेवल्स बाय 2010 इन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाई द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, आंसर हमारा ए होगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द एबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, आंसर हमारा सी होगा, वाटर विथ डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड ऑल्सो द सॉइल एट द बॉटम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द स्किन बैग विच इनक्लोजेज द टेस्टिस, आंसर हमारा सी होगा, इट मेंटेन्स द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्क्रोटम के बारे में बता रहे हैं स्किन बैग। टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द लिविंग टिश्यू इज ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ अ मॉर्टर एंड पेस्टलीज, आंसर होगा ए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज रॉन्गली मैच्ड विथ इट्स मोनोमर, आंसर हमारा सी होगा, इनुलिन का जो मोनोमर होता है फ्रक्टोज होगा, बाकी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज, काइटिन का एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यानी एन ए जी, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का होता है एमिनो शुगर्स एंड अदर केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। ओके, इनुलिन इज अ होमोपोलीमर ऑफ फ्रक्टोज। एम टी पी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन, आंसर बी, 1971। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है तो कह रहा है एन एंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आइडियाज, तो इसका मैंने ट्रिकी बना रखा है, आंसर का बी, प्रोजेस्टा सर्ट और LNG20। यहाँ पे ट्रिकी है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है और LNG मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उससे थोड़ा मैच करता है। ओके, तो उससे आप बता सकते हैं कि हार्मोन रिलीजिंग है। ओके, बस ये ट्रिक है। अ मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी द सीन कार्पस ओवरी डेवलप्स इन टू वन ओनली वन फ्रूट, सच फ्रूट इज टर्म्ड एज, आंसर होगा ए, सिंपल फ्रूट। व्हेन अ सिंगल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम सिंगल फ्लावर हैविंग वन और मेनी सीन कार्पस ओवरी देन इट इज कॉल्ड सिंपल फ्रूट। इट कैन बी ड्राई और फ्लेसी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फ्रूट वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। Identify the plantation and select the options which with suitable example in which it is found. तो इसका हमने ट्रिक भी बना रखा है। जो ये है हमारा वो फ्री सेंट्रल प्लांटेशन है, और फ्री सेंट्रल प्लांटेशन का ट्रिक है PDF। P मतलब प्राइमरोज, D मतलब डायंथस और F मतलब फ्री सेंट्रल प्लांटेशन। ओके, तो इस सारे इसका हमने ट्रिक बना रखा है अपने चैनल पे, प्लांटेशन ट्रिक नीट यूनिवर्सिटी वाले सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएंगे। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंडोस्पर्म इन मोनोकॉट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड, आंसर हमारा ए होगा, एल्यूरॉन लेयर। 66 अकॉर्डिंग टू बर्गमैन्स रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट्स हैव, आंसर ए, लार्जर बॉडी एंड शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज। इसके बारे में पहले भी हम लोग देखे थे इसी टेस्ट में। इफ अ सुपेरियर कंपटीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एरिया देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द अदरवाइज एक्सप्लॉयटेड स्पीसीज अब गिवेन फेनोमेनन इज अकॉर्डिंग टू, आंसर होगा सी, प्रिंसिपल ऑफ कंपटिटिव रिलीज। ओके,
Which treaty is related to the control of the emission of ozone depleting substances? Answer A. Montreal Protocol, Canada in 1987 and effective in 1989. Eutrophication is often seen in answer B. Freshwater lakes. T.W. Engelmann performed his experiments on which of the following? Answer A. Cladophora, green algae. Okay. Engelmann experimented on Cladophora. He illuminated Cladophora with white light after passing through prism. He used aerobic bacteria to detect oxygen evolution site and observed that maximum bacteria accumulated in blue and red region of the spectrum, indicating that maximum photosynthesis occurs in this region. If the light is made available, then the biosynthetic phase of photosynthesis. Answer B will stop after some time. Okay, आंसर हमारा B होगा। अच्छा, यहाँ पे जो आपको अगर वीडियो देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है YouTube पे, तो आप जो वीडियो डॉट एप्लीकेशन www.video.com से आप डाउनलोड कर लो वो एप्लीकेशन, वहाँ से सारे YouTube के वीडियो आपको डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर VLC मीडिया प्लेयर अगर आप डाउनलोड करेंगे, तो VLC मीडिया प्लेयर से अगर आप इस वीडियो को अगर प्ले करेंगे, तो वहाँ पे आपको आएगा, वहाँ पे भी जो है आपको हॉरिजेंटल में ही ये वीडियो दिखाई देगा। तो आपको पोर्ट्रेट मोड यानी फुल स्क्रीन में अगर आप देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे रेशियो एस्पेक्ट रेशियो अगर हॉरिजेंटल से अगर पोर्ट्रेट मोड में करेंगे, तो आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको फुल स्क्रीन में दिखाई देगा और दिक्कत भी नहीं होगा, आप आराम से देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे छोटा स्क्रीन देखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन वैसे करके देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है करेक्टली आइडेंटिफाई द एनर्जी यील्डिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आंसर हमारा डी होगा, फॉस्फोएनॉल पाइरुविक एसिड टू पाइरुविक एसिड। ओके, तो यहाँ से एटीपी रिलीज हो, क्योंकि यहाँ फॉस्फो यहाँ पे हट जा रहा है, केवल पाइरुविक आ रहा है, तो जो फॉस्फेट जो ग्रुप है वो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प हो रहा है। ऐसे आप बना सकते हैं अगर आपको नहीं याद रहेगा तो लॉजिक से। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलुलर रेस्पायरेशन। आंसर हमारा ये होगा, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड एज हीट। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कोरिस्पोंड्स टू मैक्सिमम ग्रोथ। आंसर हमारा ये होगा, लॉजिस्टिक कर्व। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर नेचुरल कंडीशन शो सिग्मॉइड कर्व इन विच देयर इज इनिशियल स्लो ग्रोथ कॉल्ड लैग फेज, फॉलोड बाय द लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, एंड देन स्टेशनरी फेज इज ऑब्जर्व्ड। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑरिजिन्स आर सिंथेटिक। तो हमारा एन ए ए और 2,4-D जो है सिंथेटिक है। आंसर होगा बी, यानी 2। इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड आर नेचुरल, एंड नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड आर सिंथेटिक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज मेनली सिंथेसाइज एट सूट एपेक्स एज लाइट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। विच विटामिन इज एडेड ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो आंसर हमारा डी होगा, विटामिन B12। ड्यूरिंग एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव्स। आंसर ए, टुवार्ड्स एनोड एट इट एज इट इज निगेटिवली चार्ज। अ सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाई द फॉरवर्ड टंग कैरेक्टरिस्टिक्स, पाम सीरीज, मेंटल रिटार्डेशन एंड शॉर्ट स्टैचर्ड विथ अ स्मॉल राउंड हेड। इट इज ड्यू टू एनामोली ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोजोम। आंसर होगा डी, 21st क्रोमोजोम, जो हमारा जो है डाउन सिंड्रोम के बारे में है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुका है, फिगर भी आ चुका है एनटीए मॉक टेस्ट में, तो इसे डाउन सिंड्रोम जो है बहुत अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ही हैं, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया सारे हैं। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर डी है, टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोजोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप फाउंड दैट व्हेन जीन्स आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोजोम सम जीन्स आर वेरी टाइटली लिंक्ड शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन व्हाइल अदर्स वेयर क्लोजली लिंक्ड स्लो शोड हायर रिकॉम्बिनेशन। विच सेट ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी एग्जिबिट एमोबॉइड मूवमेंट। आंसर हमारा डी होगा, ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल रीड कर लेते हैं।
फर्टिलाइज्ड इम्ब्रियो सैक इज शोन इन द डायग्राम पी एंड क्यू आर रिजल्ट्स ऑफ, तो यहाँ जो पी है वो हमारा बनेगा सिनगेमी से, और क्यू यहाँ पे जो बनेगा वो ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबरस ज्वाइंट, आंसर हमारा बी है सूचर्स, सूचर्स ज्वाइंट। ओके, सूचर्स आर द टाइप ऑफ ज्वाइंट फॉर्मड इन फ्लैट स्कल बोन विच फ्यूज एंड फ्यूज इन टू इंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म द क्रेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड बाई लीफ एंड बल्बिस रेस्पेक्टिवली, तो लीफ से होंगे ब्रायोफाइलम और बल्बिस से होंगे एगेव। आइडेंटिफाई द ग्लैंड इन विच टू लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आंसर हमारा सी होगा थायराइड ग्लैंड। फाइंड द ऑड वन आउट अबाउट सिकल सेल एनीमिया, आंसर होगा डी इट इज एग्जाम्पल ऑफ एलोजोमल रिसेसिव म्यूटेशन, तो गलत है, यहाँ ऑटोजोमल रिसेसिव म्यूटेशन होते हैं, बाकी ए बी सी सही है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाई वैलिन और चेंज अकर्स इन सिंगल बेस पेयर इन जीन फॉर ग्लोब्यूलिन चेन। ये भी क्वेश्चन जो हमारा सिकल सेल एनीमिया बहुत बढ़िया से पढ़े ना, बहुत बार रिपीट कर चुका है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ के हर एक टेस्ट में। जोना ग्लोरुमेसा इज द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, आंसर हमारा होगा ए एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें जोना ग्लोरुमेसा जोना रेटिकुलेटा ये सब आते हैं। इन गार्डन पी स्टार्च सिंथेसिस इज रेगुलेटेड बाई बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एलिस, कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप प्रोड्यूसेज, आंसर होगा सी इंटरमीडिएट साइज राउंड सीड्स, जो हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये जो है पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज, अच्छा यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाई वन जीन, इट हैज टू एलील्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाई कैपिटल बी, कैपिटल बी होमोजाइगोट्स एंड देयर फॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगस हैव लेसर इफिशियंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड्स, कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड द स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल्ड, हेटरोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील, बट द स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स, सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज अ फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज पजेस्ड बाई अ ब्लू व्हेल विच लाइज बीनीथ द स्किन एंड हेल्प्स ड्यूरिंग हाइबरनेशन, आंसर हमारा ए होगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लू व्हेल पजेस स्पेशल टिश्यू विच लाइज बीनीथ द स्किन एंड हेल्प्स ड्यूरिंग हाइबरनेशन, हाइबरनेटर्स डिपेंड्स ऑन द फैट रिजर्व विच व्हाइल कोल्ड एंड टू फ्यूल रीवार्मिंग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियोलस, आंसर होगा बी इनकरेक्ट, यानी कि इट इज साइट फॉर द एमआरएनए नहीं आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ए सी डी सही है फाउंड इन न्यूक्लियस, दीज मे बी मोर देन वन इन सेल विच आर इन्वॉल्व इन एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस और इट इज मेम्ब्रेन लेस और सेल ऑर्गेनिली। ओके, तो ये सारे थे हमारे बायो के क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। ओके, अब आते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कर रहा है द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड, तो आंसर हमारा होगा बी नोडल सरफेस। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रीजन डिफाइंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, नोडल सरफेस आर डिफाइंड एज द रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू जीरो। तो ये हमारा क्विक रिविजन वीडियो है, तो फटाफट देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग शेप्स ऑफ, जहाँ पे हिंट की जरूरत हो वहाँ पर हिंट यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है विच आर द फॉलोइंग शेप्स ऑफ एस एफ फोर इज मोर स्टेबल एंड वाई, तो आंसर हमारा बी होगा, सेकेंड जो है मोर स्टेबल होगा यहाँ पे क्योंकि ड्यू टू टू लोन पेयर रिपल्सन। ओके,
यहाँ पे कह रहा था स्ट्रक्चर टू इज मोर करेक्ट एज इन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर असाइंड एट इक्विलेटरल पोजिशन विच मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन विल बी लेस हियर सो इट विल बी मोर स्टेबल ऑल्सो। इन केस ऑफ ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री लोन पेयर्स आर प्लेस्ड एट इक्विलेटोरियल पोजिशन। यहाँ पे आईपीएस नेम के लिए बोल रहा है तो आंसर होगा यहाँ पे बी टू इथाइल पेंटेन वन ओल। यहाँ पे नोमेनक्लेचर करेंगे अल्कोहल से वन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टू इथाइल पेंटेन वन ओल हो जाएगा। ओके लेविसाइट इज अ पॉइजनस गैस हैविंग फॉर्मूला। आंसर होगा बी सी एच सी एल डबल बॉन्ड सी एच ए एस सी एल टू। लेविसाइट इज अ पॉइजनस गैस हैविंग फार्मूला सी एच सी एल डबल बॉन्ड सी एच ए एस सी एल टू विच कैन बी प्रिपेयर एज फॉलोज। तो हमारा जो है एसिटिलीन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस ए सी एल सी से करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये लेविसाइट बन जाता है ए एस सी एल के प्रेजेंस में करते हैं। द ऐसे भी जो आर्सेनिक होते हैं पॉइजनस होते ही हैं तो आर्सेनिक आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड हैं तो ये लेविसाइट बन जाते हैं। द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर। आंसर होगा सी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। इन दिस टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से यहाँ पे डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज होते हैं ओके तो यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन आईओ थ्री माइनस आईओ फोर माइनस के आई एंड आई टू रेस्पेक्टिवली इज। तो आईओ थ्री माइनस तो यहाँ पे अगर एक्स करके अगर पुट करेंगे तो थ्री टू या सिक्स माइनस वन है तो यहाँ पे प्लस फाइव हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन फोर टू या एट माइनस वन करेंगे तो प्लस सेवन हो जाएगा के आई का हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आयोडीन जो है वहाँ पे माइनस वन में हो जाएंगे और आई टू में यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन जिंक गिव्स हाइड्रोजन विथ एच टू ओ सो फोर एंड एच सी एल। ओके यानी कि जिंक जो है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन गिव रिलीज करता है एच टू ओ सो फोर और जो एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बट एच ओ थ्री के साथ नहीं बिकॉज एन ओ थ्री माइनस इज रिड्यूस्ड इन रेफरेंस टू एच प्लस आयन। यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एच एन ओ थ्री। दिस इज बिकॉज एच एन ओ थ्री इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इमिडिएटली ऑक्सीडाइज द एच प्लस आयन्स इन हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर व्हाइल इट्स एन ओ थ्री माइनस आयन गेट्स रिड्यूस्ड। जेड एन प्लस फोर एच एन ओ थ्री जेड एन एन ओ थ्री होल ट्वाइस प्लस टू एन ओ टू प्लस टू एच टू यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिजिड नहीं होगा। इट इज रिकमेंडेड दैट अमोनिया बोटल शुड बी ओपेंड आफ्टर कूलिंग इन आइस फॉर सम टाइम बिकॉज आंसर होगा ए इट हैज हाई वेपर प्रेशर। द वेपर प्रेशर ऑफ अमोनिया एट रूम टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड हेंस द अमोनिया विल इवेपोरेट अनलेस द वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। कूलिंग डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर सो दैट द लिक्विड रिमेन्स इन द सेम स्टेट हेंस द बॉटल इज कूल्ड बिफोर ओपनिंग। सोडियम क्लोराइड हैज़ अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स। व्हाई डज NaCl डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आंसर हमारा बी होगा द आयन्स ऑफ NaCl बिकम्स मोबाइल ओनली इन मोल्टन स्टेट एंड आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। टू रिएक्शंस आर गिवेन बिलो CO प्लस हाफ ओ टू गिव्स CO टू और Ag2O गिव्स टू Ag प्लस हाफ ओ टू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे आंसर होगा ए फोर फर्स्ट जो हो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई एंड सेकेंड के लिए डेल्टा एच जो होगा हमारा डेल्टा ई से ज़्यादा होगा। ओके तो यहाँ पे हम डेल्टा एन जी से निकालेंगे तो फर्स्ट के लिए जो हमारा होगा डेल्टा एन जी जो होगा वन माइनस अगर स्टोमेटिक कोफिशिएंट अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करें तो माइनस वन बाई टू है हेंस डेल्टा एन जी निगेटिव सो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। और सेकंड के लिए हमारा डेल्टा एन जी जो है पॉजिटिव होगा सो डेल्टा एच जो होगा वो डेल्टा ई से ज़्यादा होगा। सेलुलोज प्रेजेंट इन प्लांट्स हैज अ फूड फॉर कैटल बट नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज। तो आंसर हमारा ए होगा ह्यूमन बॉडी डज नॉट कंटेन सेलुलोज सेलुलोज हेंस सेलुलोज कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू डी ग्लूकोज। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द रिएक्शन। ओके तो यहाँ पे जो है सी एस थ्री सी एच ओ प्लस सी एस थ्री सी एच ओ कर रहे हैं
यानी कि दोनों एसिटाल्डिहाइड को अगर रिएक्ट करेंगे एन ए ओ एच से यानी कि जेड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर सी एच थ्री सी एच ओ एच और सी एच टू सी एच ओ बन जाता है, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू वर्नस थियोरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्राइमरी वैलेंसी जो है हमारा आयोनाइजेबल होते हैं, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल अकॉर्डिंग टू वर्नस थियोरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो क्वेश्चन है हमारे सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पीछे भी आ चुका है पिछले नंबर मॉक टेस्ट में। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीन गैस फ्रॉम सीवेज सॉ डस्ट स्क्रैप वुड इट इज क्वाइट कॉमन दीज डेज। द प्रोडक्शन ऑफ सीन गैस फ्रॉम कोल इज कोल्ड, तो कोल गैस कोल से करते हैं तो हमारा बोलते हैं इसे सी यानी कोल गैसिफिकेशन। सिंस द वाटर गैस मिक्सचर सीओ प्लस एच टू इज यूज इन हाइड्रोकार्बन सिंथेसिस इट इज ऑल्सो कोल्ड सिंथेसिस गैस और सीन गैस, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीन गैस फ्रॉम कोल इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड है, आंसर हमारा बी होगा द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स विल नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड आफ्टर ओवरलैपिंग गिवन जेड एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आंसर हमारा होगा डी पी वाई ऑर्बिटल एंड पी वाई ऑर्बिटल, जो दोनों है वो हमारा जेड एक्सिस पे है, तो हमारा वो जो है वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। बाकी जो है एस एस जो हमारा सिग्मा बनाएगा, एस और पी जेड जो है हमारा भी सिग्मा बनाएगा, और पी जेड भी हमारा सिग्मा ही बनाएगा। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ओके, क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35, बट इट्स एटॉमिक मास इज 35.5। दिस इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35 इज अप्रोक्सीमेटली, आंसर हमारा सी होगा 1:3। यहाँ पे हम रिलेटिव एबंडेंस जो है क्लोरीन 37 का एक्स परसेंट मानेंगे, और तो अब हमारा यहाँ क्लोरीन 35 का 100 माइनस एक्स हो जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास का अगर फॉर्मूला हम करेंगे यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे एक्स इंटू 37 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 35 बाई 100, तो यहाँ पे हमारा एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर हमारा 25 आ जाता है। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ यहाँ निकालेंगे तो 25:35, तो 25:75 यानी 1:3 आ जाएगा। विच स्टेप इज चेन प्रोपगेशन स्टेप इन द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो आंसर हमारा होगा सेकेंड जो है वो हमारा चेन प्रोपगेशन है, यानी कि सी एल रेडिकल प्लस सी एच फोर सी एच थ्री प्लस एच सी एल। फर्स्ट जो है हमारा वो चेन इनिशिएशन है जो हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म करता है चेन इनिशिएशन में, और चेन टर्मिनेशन जो है हमारा सी एल रेडिकल प्लस सी एल टू बनाता है, और फोर्थ भी है, थर्ड और फोर्थ दोनों है हमारा चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन जो है टर्मिनेशन स्टेप है। फोटोक्लोरिनेशन ऑफ मिथेन अकर्स इन थ्री स्टेप्स इनिशिएशन प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, चेन प्रोपगेशन प्रोपेगेटिंग स्टेप जो है हमारा सी एल रेडिकल प्लस सी एच फोर सी एच थ्री रेडिकल प्लस एच सी एल हो जाते हैं। अमंग द फॉलोइंग व्हिच आर एम्बीडेंडेंट लिगेंड, ओके आंसर हमारा ये होगा फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि एस सी एन माइनस और थर्ड एन ओ टू माइनस। एस सी एन माइनस में जो है सल्फर और नाइट्रोजन दोनों में से कोई भी कर सकता है डोनेट, और एन ओ टू में भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कर सकता है। एस सी एन माइनस एंड एन ओ टू माइनस आर एम्बीडेंडेंट लिगेंड सिंस दे हैव मोर देन वन डोनर एटम्स टू अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर देखते हैं 20। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो आंसर हमारा सी होगा इन अल्केन्स ऑल कार्बन एटम्स आर एसपी थ्री हाइब्रिडाइज होते हैं। सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ एन ए ओ एच एंड सी ए ओ, ओके मिथेन कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई वुड रिएक्शन, और द लोवेस्ट हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर्ड बाई वुड रिएक्शन इज इथेन, नियोपेंटेन इल्स ओनली वन मोलोक्लोरो प्रोडक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इंजाइम कैटालिसिस, ओके तो आंसर हमारा जो होगा सी होगा द फेवरेबल टेम्परेचर रेंज ऑफ इंजाइम एक्टिविटीज बिटवीन 50 to 60 डिग्री नहीं होते हैं, 50 to 60 में डी नेचर कर जाएंगे, और बाकी ए बी सी जो है डी है सही है। ए बी डी द इंजाइम एक्टिविटीज मैक्सिमम एट ऑप्टिमम पीएच व्हिच इज बिटवीन 5 to 7, ईच इंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर गिवन रिएक्शन, और द इंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड कोइंजाइम। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है द इंजाइमेटिक एक्टिविटी इज जस्टिफाइड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, द फेवरेबल टेम्परेचर रेंज ऑफ इंजाइमेटिक एक्टिविटी इज 25 to 37 डिग्री सेल्सियस,
रेस्ट अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम कैटलिस्ट। यहाँ पे करा द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि पेंटामाइन 5 अमाइन है, आइसोथायोसाइनेटो यानी कि एनसीएस है, क्रोमियम थर्ड यानी क्रोमियम का यहाँ अगर ऑक्सीडेशन निकालें तो प्लस थर्ड 3 आते हैं, टेट्रा क्लोरो जिंकेट सेकेंड। ओके, द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर सम गैसेज एज 293 केल्विन इज गिवेन बिलो, अरेंज द गैसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर सॉल्युबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे हीलियम जो है 144 दिया हुआ है, H2 69, N2 76 और O2 34.86, तो आंसर हमारा ए होगा, यानी कि O2 का सबसे ज्यादा, देन H2, देन N2, देन H हीलियम। हाइयर द वैल्यू ऑफ KH, KH का जितना ज्यादा वैल्यू होगा, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इज द फॉलोअर्स, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो KH का जो वैल्यू है यहाँ पे वो हीलियम का है, इसलिए जितना ज्यादा KH का वैल्यू होगा उतना कम होगा, सबसे कम जो है O2 का है, तो इसलिए इसका सोलबिलिटी ज्यादा होगा। ओके, O2 का 34.86 था सबसे कम, इससे सबसे ज्यादा, देन H2 यानी 69.16, N2 76 और हीलियम 144.97। इफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 गैस इज 0.04 मोलरिटी पर सेकेंड एट सम मोमेंट इन टाइम, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो आंसर हमारा होगा ए, 0.02। अगर यहाँ पे इस रिएक्शन का अगर रेट निकाले, N2O5 टू NO2 गिव्स हाफ O2, तो रेट हो जाएगा डी N2O5 बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी NO2 बाई डी टी इक्वल टू 2 × 2 O2 / O2 हो जाएगा, DO2 / DT। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 यहाँ पर दिया हुआ 0.04, तो अगर यहाँ पे इक्वलाइज करेंगे तो यहाँ पे 0.04 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0.02 आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मेटल्स प्रेजेंट इन द नेटिव ओर्स विथ मरकरी टू फॉर्म एन एलॉय इज कॉल्ड, ऐसा हमारा सी होगा, अमलगमाइजेशन बोलते हैं, अमलगेमेशन। द एलॉय ऑफ मेटल विथ मरकरी इज नोन एज अमलगम एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमलगम इज नोन एज अमलगमाइजेशन, अमलगमेशन। ओके, जैसे सोडियम अमलगम होते हैं। अमोनिया इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ Cu2+ ion बिकॉज, आंसर हमारा ये होगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विथ Cu2+ ion टू फॉर्म डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अमोनिया यूज टू डिटेक्शन ऑफ Cu2+ ion बिकॉज एक्वा सोल्यूशन ऑफ NH3 रिएक्ट्स विथ Cu2+ ion टू फॉर्म डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, CuNH3 होल 4 2+ बनाते हैं यहाँ पे डीप ब्लू कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइड्राइड्स इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है हाइड्राइड के रिस्पेक्ट में, आंसर हमारा डी होगा, एलिमेंट्स ऑफ 15 to 17 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्री साइज हाइड्राइड, से हमारा गलत है, बाकी ये भी सही है। आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन नॉन वोलाटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड्स एक्ट एज लेविस एसिड है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, और यहाँ पे कह रहा है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड्स। ओके, और यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 to 17 फॉर्म इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स लाइक NH3, PS3H2S, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड्स एक्ट एज लेविस एसिड और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स लाइक BH3 और BH2, आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो, हेंस ओनली डी एल स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑन कंबशन इट यील्ड्स 0.15 ग्राम CO2, 0.12 ग्राम H2O, द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली इज, आंसर हमारा डी होगा, कार्बन जो हमारा आएगा यहाँ पे 20%, हाइड्रोजन 6.6% और ऑक्सीजन 73.34%। अगर यहाँ परसेंटेज निकालें कार्बन का, तो यहाँ पे गिवेन जो है वेट बाई मॉलिकुलर वेट होंगे, यानी कि 12 by 44 × 0.15 by 0.2 × 100 करेंगे तो 20% होंगे, हाइड्रोजन के लिए 2 by 18 × 0.12 by 0.2 यानी 6% के अप्रॉक्स, यहाँ पे जीरो, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे हो जाएगा 100
-20 प्लस 6.6 करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 100 से सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पर 73.34% आ जाएंगे। BF3 इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शंस बिकॉज, आंसर हमारा डी होगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। ओके, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, एज अ स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड इट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर श्योर एक्शन एज अल्कलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीमराइजेशन ऑफ फेनोलिक एंड इपॉक्सी रेजिंस एज वेल एज अदर आइसोमराइजेशन, एस्टिफिकेशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट्स, आंसर हमारा बी होगा, सबसे ज्यादा होगा 4, यानी कि चार कार्बन का जो है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, फिर हो गया यहाँ तीन कार्बन का हैलाइड, उसके बाद दो कार्बन का, देन यहाँ पे एक कार्बन का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, एज ए मॉलिकुलर वेट डिक्रीज करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑल्सो डिक्रीज करेंगे। ओके, K2CO3 कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाई सॉल्वेज प्रोसेस बिकॉज, आंसर बी, KHCO3 इज टू सोल्यूबल टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम सोल्यूशन, KCO3 is too soluble and cannot be separated by fractional crystallization like sodium bicarbonate. Match the column 1 with column 2 and mark the appropriate choice. तो यहाँ पे bacteriostatic जो हमारा होगा inhibit growth of microbes, bactericidal जो है हमारा kill करता है, cidal यानी killing है, kill microbes, narrow spectrum antibiotics effective against single disease, और जो रिसेप्टर्स जो है हमारा क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द SN1 रिएक्शन शोन बाय अल्काइल हैलाइड्स इज नॉट करेक्ट, तो ऐसा हमारा बी होगा, द SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इनवर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द ऑब्लिकली एक्टिव सब्सटेंस, ये हमारा जो है इनकरेक्ट होंगे। The in SN1 reaction rate of substitution depends on the concentration of substrate only and not upon the nucleophile. In case of SN1 reaction, there is rhizomatization and no inversion. SN1 reaction will be faster if the carbocation formed is more stable. Okay, और A, C, D हमारा सही है। In the added nucleophile plays no kinetic role in SN1 reaction. The SN1 reaction on the chiral starting metal ends up with rhizomatization of the product. और डी यहाँ पे कह रहा है द मोस्ट स्टेबल द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट द फास्टर द SN1 रिएक्शन। पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफेनाइल्स PCBs आर फर्स्ट नॉन कार्सिनोजेनिक इन नेचर, सेकंड कार्सिनोजेनिक इन नेचर, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे कह रहा है यूज्ड एज क्लीनिंग सॉल्वेंट, तो आंसर यहाँ पे बी होगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे कार्सिनोजेनिक भी होते हैं और क्लीनिंग सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स PCB विच आर यूज एज क्लीनिंग सॉल्वेंट डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स एड टू लिस्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूटेंट्स PCB आर सस्पेक्टेड टू बी द कार्सिनोजेनिक। द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज 1×10⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस, द pH ऑफ 0.01 सोल्यूशन ऑफ इट्स सोडियम सॉल्ट इज आंसर होगा C8। फॉर अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस pH का जो फॉर्मूला होता है हमारा 7+½ pKa+½ log C, तो यहाँ पे आंसर हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, वेयर एज COC बॉन्ड एंगल इज इन इथर इज स्लाइटली ग्रेटर बिकॉज, आंसर होगा ए, बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू बल्की आर ग्रुप्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, वेयर एज द COC बॉन्ड एंगल इज आइदर इज स्लाइटली ग्रेटर बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू बल्की आर ग्रुप्स। व्हेन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर मिक्स टुगेदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, तो आंसर हमारा बी होगा, ए ए एंड बी इंटरेक्शंस आर वीकर then AB interactions. When acetone and chloroform are mixed together, a hydrogen bond is formed between them and which increases intermolecular interaction. Hence, AB interactions are stronger than AA and AB interaction. Okay.
ये डिविएट कर जाएगा रॉड्स लॉ से। व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ एंड आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज 858 एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ SO4 2- इज 160 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ऐसा हमारा होगा 189। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 जो होगा 2 2 Al3+3, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन SO4 2- होगा। तो यहाँ पे अगर Al3+ का अगर करें तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे 189 आ जाएगा। 0.6 मोल ऑफ PCl5, 0.3 मोल ऑफ PCl3 एंड 0.4 मोल ऑफ Cl2 आर टेकन इन 1 लीटर फ्लास्क टू ऑब्टेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। PCl5 गैस गिव्स PCl3+ Cl2 गैस। इफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज 0.15, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो आंसर हमारा होगा बी, बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे जो है PCl5 को अगर क्यूसी निकालेंगे तो 0.4 × 0.3/0.6 करेंगे तो 0.2 हमारा आ रहा है, यानी कि जो Kc का जो वैल्यू है हमारा 0.15, तो Kc का वैल्यू हमारा लेस देना आ रहा है Qc, यानी Qc का वैल्यू ज़्यादा है Kc से। सो रिएक्शन जो प्रोसीड करेगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है बेंजोइक एसिड को हम PCl5 से रिएक्शन करवा रहे हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको NH3 से अमोनिया से रिएक्ट करवा रहे हैं, जो उसके बाद जो क्यू प्रोडक्ट हमारा है उसको Br2 और KOH से कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर हमारा ए होगा, एनिलीन बनेगा। यहाँ पे PCl5 को से अगर रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजोइक एसिड तो हमारा बेंजोइल क्लोराइड बन रहा है, और बेंजोइल क्लोराइड को हमारे अगर हम अमोनिया और से रिएक्शन कर रहे हैं तो NH4Cl यहाँ पे जो है वो हट जाएगा, Cl को लेकर यहाँ पे अमोनिया जो है वो निकल जाएगा, तो हमारा CONH2 बन जाता है, यानी बेंजामाइड। उसके बाद बेंजामाइड को CONH2 का अगर Br2 के उस से अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा बन जा रहा है एनिलीन। ओके नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ऐसा हमारा डी होगा, दे हैव क्रॉस लिंकेज विच ब्रेक ऑन हीटिंग, हमारा गलत है, थर्मोप्लास्टिक है ब्रेक नहीं करेगा। ये यहाँ पे कह रहा थर्मोप्लास्टिक्स आर लिनियर पॉलीमर्स, दे सॉफन एंड मेल्ट ऑन हीटिंग। ओके यहाँ मेल्ट करता है हीटिंग करने पे, ब्रेक नहीं करेगा। मोल्टेन पॉलीमर कैन बी रीमोल्डेड इनटू एनी शेप, एनी शेप में हम जो है हम रीमोल्ड कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को, और जो थर्मो सेटिंग है उसको नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स डू नॉट हैव एनी क्रॉस लिंकेज, हेंस दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी रीमोल्डेड आफ्टर हीटिंग। अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स सोडियम मेटल। ओके तो यहाँ पे जो है रिएक्टिविटी जो होगा सबसे ज़्यादा थर्ड का होगा रिएक्टिविटी, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का, उसके बाद होगा सेकेंड यानी 2 डिग्री अल्कोहल का, उसके बाद सबसे कम होगा फर्स्ट यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल का। मोर द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, लेसर विल बी द एसिडिटी, हेंस द रिएक्टिविटी ऑर्डर टू आर सोडियम मेटल विल बी द फॉलोअर, यानी कि सबसे जो है वो कम होगा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन सबसे ज़्यादा होगा प्राइमरी। आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 पे, कह रहा है यहाँ पे कि स्टडी द गिवेन रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट। ओके तो यहाँ पे है जो कार्बोनिल ग्रुप को हम यहाँ पे सोडियम NaHSO3 से कर रहे हैं रिएक्शन, तो यहाँ पे ए बन रहा है, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट से कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्बोनिल बन रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा है, इट इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में यूज करते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म इनसोल्युबल क्रिस्टलाइन कंपाउंड विथ NaHSO3 विच कैन बी फिल्टर्ड, दीज ऑन डिस्टिलेशन विथ सेचूरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगेन गिव द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, यहाँ पे वापस आ जाता है। यहाँ पे कह रहा है कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलियम आयन ऑब्टेन बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके आंसर हमारा ये होगा, एनिलियम आयन हैव टू स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, 1 एंड 2 जो है वो स्टेबल होंगे। ओके यहाँ पे कह रहा सेकेंड इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
इन द स्ट्रक्चर एनिलियम आयन एग्जिस्ट इन टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ओनली विच इज वन एंड थ्री। और यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं जो सेकेंड जो है और नाइट्रोजन में यहाँ पे दो बॉन्ड और NH3 यानी पांच बॉन्ड बन जाता है जो पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ओके तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके कंपाउंड सेकेंड इज मोस्ट सिमेट्रिकल बिकॉज इट हैज बोथ CH3 ग्रुप एंड Cl एटम्स पैरा टू ईच अदर, देयर फोर इट फिट्स इन द क्रिस्टल लैटिस बेटर देन द अदर टू आइसोमर्स एंड हेंस इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके बाकी फर्स्ट और जो थर्ड है, थर्ड यहाँ पे जो होगा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे लास्ट वाला, तो वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये सारे जो हैं हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। वीडियो पसंद आ रहा तो जरूर लाइक करना। ओके ओके तो अब आते हैं हम लोग फिजिक्स में। तो फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज दैट आर क्वांटाइज्ड अमंग द फॉलोइंग इज, आंसर हमारा सी होगा, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम जो होंगे वो हमारे क्वांटाइज्ड होंगे। ओके इफ लेमडा वन एंड लेमडा टू आर द वेव लेंथ्स ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द लाइमन एंड फास्टन सीरीज रेस्पेक्टिवली देन लेमडा वन इज टू लेमडा टू क्या होगा, आंसर हमारा डी होगा, 7:1:08। यहाँ पे जो फॉर्मूला है 1 बाय लेमडा इक्वल टू आर इंटू वन वन माइनस N1² माइनस 1 बाय N2² से निकाल सकते हैं। उसके बाद लेमडा 1 बाय लेमडा 2 करेंगे तो 7:1:08 आ जाएगा। क्विक वीडियो है, क्विक रिविजन के लिए, तो हम लोग फटाफट हिंट देखकर आगे बढ़ेंगे फटाफट। जिन्हें अगर जो है डिटेल वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। तो यहाँ पे कह रहा है अ स्फेयर ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी कोलाइड्स हेड ऑन अनदर स्फेयर ऑफ सेम मास विच इज एट रेस्ट, द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड स्फेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट स्फेयर इज क्या होगा, तो आंसर हमारा सी होगा, E+1/2। ओके तो यहाँ पे जो है लीनियर मोमेंटम फाइनल और इनिशियल कंजर्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर हमारा आ जाएगा E+1/2 यानी कि सी ऑप्शन। अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू द टू पीसेस ऑफ मास 18 kg एंड 12 kg, द वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास इज 6 m/s, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑफ द अदर मास इज, तो आंसर हमारा बी होगा, 486 जूल। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1v1 + m2v2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे -9 आता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है ½ m v2 m2v2 करेंगे तो 486 जूल आ जाएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज फिक्स टू वन एंड ऑफ द लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के एंड अनस्ट्रेच्ड लेंथ एल, द सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, देन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी, आंसर हमारा बी होगा, m² L/k - m²। यहाँ पे है लेट एक्स बी द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग द पार्टिकल वुड मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस L+x, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग m(L+x)(ω² = k(x), एक्स इक्वल टू हमारा आगा m² L/k - m ओमेगा स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ के ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड s एज k = a² द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, आंसर हमारा होगा d2a²। काइनेटिक एनर्जी जो है ½ m² = k = a² करेंगे तो हमारा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स mv² = 2s² / r आ जाएगा। द मासेज ऑफ थ्री वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 एंड दियर लेंथ्स आर इन द रेशियो 5:3:1, द रेशियो ऑफ दियर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आंसर हमारा डी होगा, 125:15:1, r = ρ L/a से करेंगे और मास जो है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी कि r = ρ L L d into by m करेंगे तो r जो है होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L² / m होगा, तो उससे हम रेशियो निकाल सकते हैं। टू वायर्स ऑफ इक्वल डायमीटर्स ऑफ रेजिस्टिविटीज ρ1 एंड ρ2 एंड लेंथ L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली आर ज्वाइंट इन सीरीज,
द इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी ऑफ द कम्बिनेशन इज, आंसर हमारा ये होगा रो एल वन प्लस रो एल टू बाई एल वन प्लस एल टू। यहाँ पे जो है वायर्स हैविंग द फ्रेम डायमीटर, हेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए, ये होगा आर वन इक्वल टू रो एल वन बाई रो एल वन इंटू एल वन प्लस ए करेंगे तो यहाँ पे, उसके बाद आर इक्विवेलेंट करेंगे तो हमारे यहाँ रो इक्विवेलेंट जो है रो एल वन प्लस रो एल टू बाई एल वन प्लस एल टू आ जाएगा। इन द एडजेसेंट सर्किट द इंस्टेंटेनियस करेंट इक्वेशन इज, तो आंसर हमारा बी होगा अंडर रूट टू साइन 100 t प्लस पाई बाय 4। यहाँ पे हम जो है अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है टाइन फाइव इक्वल टू एक्सएल बाई आर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर करके करेंगे तो फाइव यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो आई नोट का जो वैल्यू है वी नोट बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हमारे यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा। इन अ सीरीज एल सी आर सर्किट द वोल्टेज ड्रॉप एक्सेस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 8 वोल्ट, अक्रॉस द इंडक्टर ऑफ 6 वोल्ट एंड अक्रॉस द कैपेसिटर इज 12 वोल्ट, देन आंसर हमारा डी होगा नन ऑफ दीज। यानी कि यहाँ पे जो है कॉस फाई यहाँ पे निकालेंगे, उसके बाद एल सी आर सर्किट में एक्स सी और एक्सएल का वैल्यू निकाल के भी निकालेंगे। ओके, वी का जो फॉर्मूला होता है वी आर माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर का होल अंडर रूट। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट डिस्टेंस आर बाई अंडर रूट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज अलॉन्ग द एक्सिस, डायपोल मोमेंट इज पी, द चार्ज ऑफ द रिंग इज क्यू एंड द रेडियस ऑफ द रिंग इज आर, द फोर्स ऑन द डायपोल इज नियरली, आंसर होगा डी 0 होंगे। ओके, एफ इक्वल टू पी इंटू डी बाई डी से करेंगे तो हमारा 0 आता है यानी कि फोर्स 0 हो जाएगा। इफ द फोर्स एग्जर्टेड बाई एन रिलेटिव डायपोल ऑन अ चार्ज क्यू एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज एफ, द फोर्स एट द 0.2 मीटर अवे फ्रॉम द सेम डायरेक्शन विल बी, आंसर विल बी डी एफ बाई 8। यहाँ जो फोर्स है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा तो एफ बाई 8 हो जाएगा। फोर्स एग्जर्टेड बाय द रिलेटिव डायपोल ऑन अ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। अ बॉडी ऑफ मास एम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल क्या होगा, तो आंसर हमारा ये होगा माइनस जी बाई आर इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल ड्यू टू द बॉडी ऑफ मास एम इज गिवन बाई वी बी इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सर्फेस ऑफ सेल ड्यू टू सेल इट सेल्फ जो होगा हमारा होगा वी एस इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर होगा। अब जो फाइनल जो है वो वी बी प्लस वी एस करेंगे तो माइनस जी बाई आर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कर देंगे। द वेट ऑफ अ बॉडी एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज, आंसर हमारा बी होगा 0। ओके, क्योंकि सेंटर पे पूछ रहा है। अ बॉडी हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन रूम हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट डज द बॉडी इमिट एनी रेडिएशन इन द केस व्हेन द टेम्परेचर रूम टेम्परेचर इज द सेम एज द बॉडी टेम्परेचर, आंसर हमारा होगा ए यस, ऑल बॉडीज इमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर गवर्न्ड बाय द स्टेफन्स लॉ। वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ डेंसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज डिपिक्टेड इन डायग्राम, द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम कैन बी डिपिक्टेड, एज्यूम द कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आंसर हमारा डी होगा। सिंस यू यू पी जो होता है हमारा कॉन्स्टेंट होता है यूरो, तो हमारा पी बाई रो इक्वल टू आर टी बाई एम होगा, पी जो है हमारा कॉन्स्टेंट, सिंस रो इज इंक्रीजिंग देयर फोर भी इज डिक्रीजिंग। द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस इज, आंसर हमारा ये होगा 28.3। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हमारा होगा वो होगा टी वन इक्वल टू 273 + 20 यानी 293, टी टू हो जाएगा 283, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है टी टू बाई टी वन माइनस टी टू इक्वल टू हमारे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 28.3 आ जाएगा। अ प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली विद द सेम स्पीड इन टू अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द प्रोजेक्टेड ऑफ द प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, आंसर हमारा बी होगा 1:2। क्यू भी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर करेंगे तो आर इक्वल टू एम भी बाई
क्यूबी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को करेंगे तो R1 / R2 हमारा 1/2 आ जाएगा। वेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी वी इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट आंसर डी एंगल बिटवीन वी एंड बी कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 and 180 डिग्री। यानी फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्यू वी साइन थीटा होता है, फिर एफ इक्वल टू 0, एफ थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर टेक्स मैक्स 12 ऑसिलेशंस पर मिनट इन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एन एक्सटर्नल शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अलोंग द एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द नीडल इन द सेम लाइन इट मेक्स 15 ऑसिलेशन पर मिनट। इफ द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट आर इंटरचेंज्ड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इट विल मेक पर मिनट इज आंसर होगा बी √63। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है बी एच प्लस बी करेंगे यहाँ पे। अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स क्रॉसेज अ पॉइंट एट अ हाइट एच ट्वाइस इन द इट्स जर्नी एट इंस्टेंट T1 and T2 सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी इज आंसर हमारा 80 होगा 2g × T1 + T2/4 का होल स्क्वायर। ओके, T=T1 + T2 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वन स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर फ्रॉम रिस्ट एंड साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टावर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टोन्स वेरीज विथ टाइम टी एज बिफोर आइदर स्टोन हिट्स द ग्राउंड ऐसा हमारा ई होगा। और ये रहे एक्सप्लेनेशन T=S × T = ½ gt² अपवर्ड्स एंड S × T S2 × T = E2 + ½ gt² अपवर्ड्स। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन हॉरिजेंटल सर्फेस इन अ ट्रक द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस इज 0.6। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5 m/s² द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज आंसर हमारा ये होगा 5 N। अ बॉडी ऑफ मास 8 kg सस्पेंडेड थ्रू टू लाइट स्प्रिंग्स एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर द रीडिंग इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर आंसर हमारा डी होगा 8 kg and 8 kg। एज द स्प्रिंग आर लाइट इन वेट देयर फॉर द टेंशन इन द बोथ स्प्रिंग विल बी द सेम सो बोथ स्प्रिंग विल शो द सेम रीडिंग 8 kg। द पार्टिकल इमिटेड इन डीके ऑफ यूरेनियम 238-92 to U 92-234 क्या होगा तो आंसर हमारा बी होगा 1 α and 2 β। तो यहाँ पे अगर यहाँ रिएक्शन देखें अल्फा अगर रिलीज करेंगे तो जो हमारा ऑक्सीड एटॉमिक नंबर है 2 से घट जाएगा, एटॉमिक मास 4 से घटेगा। उसके बाद बीटा करेंगे तो एटॉमिक नंबर जो है 1 से बढ़ जाता है यानी 91 हो जाएगा। उसके बाद एक और बीटा आएगा तो यहाँ पे 92 तुरंत आ जाएगा। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वहाँ पे यहाँ पे 1 आ जाएगा और नंबर ऑफ बीटा जगह हम यहाँ पे 2 आ जाएगा। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्स हमारा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा न्यूट्रॉन के बारे में। बैलेंसिंग एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ बोथ साइड्स तो यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाता है N 1 और 0। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक अटैच टू अ स्प्रिंग इज T1 व्हेन द स्प्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्प्रिंग द टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक इज T2। इफ बोथ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द ब्लॉक इज मेड टू ऑसिलेट यूजिंग द कॉम्बिनेशन देन द टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक क्या होगा तो आंसर हमारा बी होगा T²=T1²+T2². ओके, अगर स्प्रिंग को अगर यहाँ पे सीरीज में करेंगे तो K=K1×K2/K1+K2 हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम पीरियड अगर फॉर्मूला नहीं लगाएं 2π√M/K1 से अगर और उसके बाद M/K2 होगा। उसके बाद अगर T²+T2² करेंगे तो हमारा T²+T2²=R² आ जाता है। ओके, T²+T2²=T² होगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाई Y1=10^-6 sin 100 t + x/50 + 0.5 m, Y2=10^-6 cos 100 t + x/50 m, where x इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स एंड t इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली आंसर हमारा ये होगा 1.07 सेकेंड। और ये रहे एक्सप्लेनेशन वहाँ पे जो है फेज डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? आंसर होगा 3 3 वोल्ट, आंसर ए 3 वोल्ट। के एम एस में जो है 3 वोल्ट का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय के एम एस इक्वल टू ई वी नॉट, तो हमारा 3 इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, यानी कि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है 3 वोल्ट आ जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक फोटो करेंट अगेंस्ट कलेक्टर प्लेट, पोटेंशियल फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट आई वन एंड आई टू वन कैन कंक्लूड। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, आई टू इज ग्रेटर देन आई वन। द वैल्यूज ऑफ फोटो करेंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हेंस व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ फोटो करेंट इज इंक्रीज, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करेंट। सो इन ग्राफ में क्या होगा, आई टू ग्रेटर देन आई वन हो जाएगा। अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग सरफेस एनर्जी ई इज स्प्रेड इंटू 512 ड्रॉपलेट्स ऑफ द सेम साइज, द फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट्स इज। तो आंसर हमारा सी होगा 8 8 ई। द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज ए इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो इट्स एनर्जी होगा ई। उसके बाद अगर हम टोटल एरिया करेंगे तो 512 पाई स्क्वायर होंगे। उसके बाद अगर दोनों को अगर इक्वेट करें, रेशियो निकाले, तो ई इन इक्वल टू 8 ई आ जाएंगे। अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड कंटेंट इन अ बीकर, इफ द होल सिस्टम फॉल्स अंडर ग्रेविटी देन द अप थ्रस्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू लिक्विड इज, आंसर होगा ए 0। इन फ्री फॉल द इफेक्टिव एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0 एंड हेंस द अप थ्रस्ट इज 0। गिवेन दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्वार्ट्ज इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इन ग्लाइसरीन इक्वल टू 9 × 4 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, इफ द स्लैब मेड ऑफ क्वार्ट्ज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्ड इन ग्लाइसरीन एज शोन इन द फिगर, देन द शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई स्लैब इज, आंसर हमारा ए होगा 6 सेंटीमीटर। ओके, जो शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है हमारा टी इंटू 1 + 1 / μ रिलेटिव होता है, तो हमारा 6 आ जाएगा। एन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। लेजर लाइट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, आंसर हमारा डी होगा। लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट, लेजर इज अ प्रोसेस बाई विच वी गेट अ लाइट बीम विच इज कोहेरेंट, हाईली मोनोक्रोमैटिक एंड ऑलमोस्ट परफेक्टली पैरेलल। अ बीम ऑफ लेजर कैन गो टू द मून एंड रिटर्न टू द अर्थ विदाउट मच लॉस ऑफ इंटेंसिटी। पार्टिकल ऑफ मास एम इनिशियल स्पीड यू एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज प्रोजेक्टेड एज शोन इन द फिगर, एवरेज टॉर्क ऑन द प्रोजेक्टाइल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पी एंड क्यू अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज, आंसर हमारा ये होगा एम यू स्क्वायर साइन 2θ/2। ओके, यहाँ जो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इंटू डेल्टा टी करेंगे तो डेल्टा एल आएगा, आंसर हमारा आएगा एम यू स्क्वायर साइन 2θ/2 आ जाएगा। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट टॉर्क अ व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 400 radians in 10 seconds, द एंगुलर एक्सलेशन इज, आंसर हमारा ये होगा 8 radians per second square। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। If the ratio of the concentration of electrons and the that of holes in a semiconductor is 7/5 and the ratio of their currents is 7/4, when the ratio of the their drift velocity is, क्या होगा? The answer होगा D होगा 5/4। Drift velocity Vd equal to I/NaED होता है, जो हमारा I का जो formula होता है NaEVd होता है, तो यहाँ से दोनों का ratio निकाल के हम निकाल सकते हैं, 5/4 आ जाएगा। If in the following common emitter configuration of NPN transistor with current gain beta equal to 100 is used, the output voltage of the amplifier क्या होगा? तो आंसर हमारा सी होगा 1 वोल्ट। वोल्टेज जो गेन होता है हमारा आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज होता है। भी आउटपुट अगर निकालें तो भी इनपुट इंटू वोल्टेज गेन करेंगे, भी आउटपुट जो होगा भी इनपुट इंटू करेंट गेन इंटू रेजिस्टेंस, यानी भी इनपुट इंटू बीटा इंटू आर नोट बाई आर आई करेंगे, तो हमारा 1 वोल्ट आ जाएगा।
द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील आर अल्फा वन एंड अल्फा टू रिस्पेक्टिवली व्हेन वी टेक अ ब्रास रॉड ऑफ लेंथ एल वन एंड अ स्टील रॉड ऑफ एल लेंथ एल टू एट 0 डिग्री सेल्सियस देन द डिफरेंस इन दियर लेंथ एल टू माइनस एल वन विल रिमेन द सेम एट ऑल टेम्परेचर इफ आंसर हमारा ये होगा अल्फा वन एल वन इक्वल टू अल्फा टू एल टू लेट डेल्टा टी बी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ब्रास वायर देन द लेंथ ऑफ ब्रास वायर एल वन जो हमारा एल वन इंटू वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी और एल टू जो हमारा आ जाएगा एल टू इंटू वन प्लस अल्फा टू एल टू करेंगे तो एल टू डैश माइनस एल वन डैश इज कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर सो एल वन अल्फा वन इक्वल टू एल टू अल्फा टू आ जाएगा। अ पब्लिक पार्क इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर हैज एरिया ऑफ 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर द साइड ऑफ पार्क क्या होगा आंसर हमारा ये होगा 10 प्लस माइनस 0.01 मीटर एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर एल एल स्क्वायर होता है एल इक्वल टू अंडर रूट ए हो जाएगा यानी 10 मीटर है डेल्ट ए बाई ए इक्वल टू 2 इंटू डेल एल बाई एल करेंगे उसके बाद डेल्टा एल जो हमारा हो जाएगा 0.01 मीटर आ जाएगा। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेज आर ऑब्जर्व टू बी फॉर्म्ड इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर नंबर ऑफ फ्रिंजेज ऑब्जर्व्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन इज गिवेन बाय आंसर होगा बी 18। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ फ्रिंज विड्थ इक्वल टू लेमडा डी बाय स्मॉल डी तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फ्रिंज जो है वो 18 आएगा। इफ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज देन इट्स क्या होगा आंसर सी होगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो होगा हमारा डिक्रीज करेगा डी इक्वल टू 1.22 लेमडा बाय 2n साइन बीटा डिग्री प्रोपोर्शन 1/n ए करेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी इज डिक्रीज इफ एन ए ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीज। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हैज अ वेलोसिटी ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वेव विच आर 60 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर विल बी अराउंड ऐसा हमारा सी होगा 12 सेंटीमीटर लेमडा इक्वल टू वी बाई एफ करेंगे वी नो दैट लेमडा एक्स डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई इंटू लेमडा बाई टू पाई तो आंसर हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलॉन्ग आंसर होगा ई क्रॉस बी थियोरेटिकल क्वेश्चन है याद रखें द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ई एंड बी लाइज सो द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का और हमारे वीडियो का भी द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ फोर्स फील्ड एफ इज गिवेन बाय यू एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द पोजिशन गिवेन बाय कोऑर्डिनेट्स 0 एंड पाई बाय 4 इज आंसर हमारा बी होगा 1 बाय अंडर रूट 2 आई प्लस आई कैप प्लस जे कैप और यह रहे एक्सप्लेनेशन एफ एक्स इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एक्स करेंगे यानी कि सेमी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ इक्वल टू 1/√2 आई प्लस जे आई कैप प्लस जे कैप हो जाएंगे। तो ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर जो है लाइक कर देना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप और जो है टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे और जिन्हें PDF चाहिए 1 to 60 PDF चाहिए NTA अभ्यास मॉक टेस्ट के तो एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।